तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ मिस्टेक्स भी हो जाता है और वो मिस्टेक्स कुछ इस तरह से शो हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस टाइप किया हुआ है और उसमें रेड कलर का और ब्लू कलर का अंडरलाइन शो हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये किस तरह की मिस्टेक्स है और इसे किस तरह सुधारा जाता है, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। Hi friends, welcome to DC full computer course in Hindi and you are watching new creative activity. आज मैं आपको बताने वाली हूँ spelling and grammar mistakes, यानी कि आपके document में जो भी spelling और grammar mistakes होता है उसे कैसे हम सुधार सकते हैं या बोल सकते हैं कि उसे कैसे correct किया जा सकता है। मैंने part 27 के video में features of MS Word के बारे में बताया है, यानी कि MS Word की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आपको पार्ट 27 का वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स का एक शॉर्ट डेफिनेशन है जो कुछ इस तरह से है, दिस ऑप्शन इज ऑलवेज ऑन व्हाइल राइटिंग गिव्स रेड एंड ग्रीन और ब्लू अंडरलाइन फॉर एवरी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स रिस्पेक्टिवली। The underline will not appear when you print document. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम अपना document तैयार करते हैं तो उसमें अगर red underline हो या फिर green या blue तो इसे spelling या grammar mistakes कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस तरह के स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स वाले डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हैं तो आपका ये स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक का अंडरलाइन आपके प्रिंट वाले डॉक्यूमेंट में यानी कि हार्ड कॉपी में नहीं आता है। अब है एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली अंडरलाइंस, यानी कि एमएस वर्ड में ये अंडरलाइंस ऑटोमेटिकली आते हैं। जब रेड अंडरलाइन होगा तो समझिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और अगर अंडरलाइन ग्रीन या ब्लू होगा तो ये ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सभी अंडरलाइन को क्या कहते हैं, ये अंडरलाइन कब होता है और इसे किस तरह से सुधारा जाता है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने पहला सेंटेंस लिखा है There is where no story. यहाँ पे ब्लू कलर का अंडरलाइन है तो इस अंडरलाइन को ग्रामर मिस्टेक कहते हैं। ये ब्लू कलर का अंडरलाइन कभी दूसरे वर्जन में, यानी कि अभी मैंने वर्ड 2016 ओपन किया हुआ है, अगर आप 2007 में काम कर रहे हैं तो ये ब्लू अंडरलाइन ग्रीन अंडरलाइन शो होगा, ब्लू के जगह में ग्रीन हो जाएगा ये, तो वो भी ग्रामर मिस्टेक ही होता है और उसे भी करेक्ट करने का सेम तरीका है, ठीक है। तो मैं अब आपको इसे करेक्ट करना सिखा रही हूँ। करेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, जहां पे भी आपका ब्लू या फिर ग्रीन या फिर ब्लू कलर का अंडरलाइन है वहां पे जाएं, अपने कर्सर को लेकर अपने कर्सर को वहां पे रखें और वहां पे जाकर राइट क्लिक करें। यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस शो करेगा, ठीक है। ये एक मेनू ओपन हुआ ना, और इसमें कुछ सजेशन आ रहा है इज और वेयर, या आप इज रखना चाहते हैं तो इज को भी रख सकते हैं, आप वेयर रखना चाहते हैं तो आप वेयर को भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे इज रखना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू अंडरलाइन हट गया है और वेयर भी हट गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आप कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो वो आपको कुछ सजेशन प्रोवाइड करता है कि आप अपने स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को सुधार सके, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल मशीन। तो यहाँ पे कंप्यूटर और मशीन में रेड कलर का अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन को स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने का भी सेम तरीका है, इस पर जाए कर्सर को लेकर और राइट क्लिक करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे सजेशन आ रहे हैं। ये तीन सजेशन है, आप इन तीनों सजेशन को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर मानिए कि आपका स्पेलिंग सही है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं और एड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं, लेकिन एड टू डिक्शनरी हमेशा ना करें, क्योंकि कभी कभार जैसे कि ऐसा होता है कि गलत वर्ड भी आप एड टू डिक्शनरी कर देते हैं तो वो हमेशा एड टू डिक्शनरी हो जाता है और हमेशा गलत ही
लेते चला जाता है और आपको समझ भी नहीं आता है कि आप गलत वर्ड टाइप कर रहे हैं या सही वर्ड टाइप कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे CompuTR को एड टू डिक्शनरी किया था, तो यहाँ पे आप सजेशन में देख सकते हैं ये कंप्यूटर आ रहा है, और अगर मैं अभी CompuTR करती हूँ तो ये गलत नहीं होगा, जबकि ये गलत वर्ड है। आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रही हूँ, कंप्यूटर का स्पेलिंग होता है CompuTER। तो आप इसे सेलेक्ट कर लें, मशीन है, मशीन पे भी राइट क्लिक करें और MACHINE को सेलेक्ट करें। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने से हमारा वर्ड सही नहीं होगा, हमारा वर्ड गलत ही रह जाएगा। तो इग्नोर बिल्कुल ना करें और एड टू डिक्शनरी तो बिल्कुल भी ना करें। एड टू डिक्शनरी ऐसे वर्ड को करें जो कि आप 100% कंफर्म हो कि नहीं ये मेरा वर्ड सही है और आप उसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो आप उसे ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम हो सकता है, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक शो कर सकता है, तो वहां पे आप ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं या इग्नोर ऑल कर सकते हैं, तो वो रेड कलर का या ब्लू कलर का अंडरलाइन शो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं मशीन को सिलेक्ट कर रही हूँ और इसे सही कर रही हूँ। इसी तरह से शी इज वाज हैप्पी है, तो यहाँ पे भी राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे सजेशन आया शी इज हैप्पी। आई एम अ कंप्यूटर टीचर, यहाँ पे भी मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, एक टीच है, एक टीचर है और एक टीचर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे टीच तो मुझे करना नहीं है। आई एम अ कंप्यूटर टीचर, यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड है कि मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ। ये एक सिंगल पर्सन के लिए वर्ड है, यानी कि ये एक सिंगल पर्सन के लिए सेंटेंस लिखा गया है, तो यहाँ पे टीचर होना चाहिए, ना कि टीचर्स होना चाहिए। टीचर्स वहीं पे होता है जहाँ पे एक से ज्यादा टीचर हों। यहाँ पे मैंने पर्सनली अपने लिए लिखा है, यानी कि सिंगल के लिए लिखा है, सिंगल पर्सन के लिए लिखा है, तो यहाँ पे टीचर होगा। अगर मानिए मैं गलती से टीचर्स को सिलेक्ट कर ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी ये सही नहीं होगा, ये ग्रामर मिस्टेक शो करेगा। ठीक है, तो इस पर जाएं, राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको फिर से एक सजेशन आएगा टीचर का। ठीक है, यहाँ पे आप टीचर सिलेक्ट कर लें, ये सही हो गया। इसी तरह से DCA इज वॉज अ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी कि यहाँ होना चाहिए DCA इज अ बेसिक कंप्यूटर कोर्स या DCA वाज अ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। चलिए, ये ग्रामर मिस्टेक है, इसे मैं करेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक कर रही हूँ, ये मेनू ओपन हुआ और यहाँ पे इज का मुझे सजेशन आ रहा है, तो इज को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ या फिर इग्नोर वंस कर सकती हूँ। इग्नोर वंस करने से क्या होता है कि ये जो वर्ड आपने, ये जो सेंटेंस आपने लिखा है वो वैसा ही रह जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ से आपका अंडरलाइन जो ब्लू कलर का है वो हट जाता है। ठीक है, तो चूंकि मैं जान रही हूँ ये गलत सेंटेंस है, इसे मैं यहाँ ग्रामर के पेन से भी सही कर सकती हूँ। ग्रामर पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर का एक टास्क पेन ओपन हो गया है। यहाँ पे सजेशन आ रहा है इज का, जो भी सजेशंस होंगे ये यहाँ पे इस बॉक्स में शो होंगे, एक हो, दो हो, तीन हो या 10 हो, जो भी हो। तो यहाँ पे फिलहाल अभी एक ही शो हो रहा है, तो इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से चेंज कर दूंगी, ये चेंज हो जाएगा। हो गया। अगर मानिए कि आपका कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रेखा, रेखा पे यहाँ पे रेड कलर का अंडरलाइन हो गया, क्योंकि रेखा नाम मेरा सही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे रेड कलर का अंडरलाइन शो कर रहा है, ये एक नाम है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने से क्या होगा, ये हट गया। ठीक है, अगर आप इसे ऐड टू डिक्शनरी करते हैं तो ये आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप इसे टाइप करेंगे तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे इज अ वेरी मैंने लिखा ना, यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे देती हूँ तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैं देख भी रही हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल मशीन, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं, कभी कभी बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो ये नहीं समझ में आता है कि आपने कितने बार स्पेस डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 बार स्पेस डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन वो चूंकि लेटर छोटे होते हैं तो समझ में नहीं आता है ये चीज। और अगर आप इसे प्रिंट करवाते हैं तो ये जो मिस्टेक है, ब्लू कलर का अंडरलाइन शो हो रहा है या फिर ये रेड कलर का अंडरलाइन शो होगा, ये जब प्रिंट आप करवाते हैं तो कोई भी अंडरलाइन आपके प्रिंट वाले पेपर पे शो नहीं होता है, यानी कि आपके हार्ड कॉपी पे कोई भी अंडरलाइन शो नहीं होगा। ये जो भी अंडरलाइन है ये आपके सॉफ्ट कॉपी में ही रहेगा, आप अपने सॉफ्ट कॉपी से ही इसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक को हम करेक्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह के वीडियोस हमेशा देखते रहें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से मैं जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड करूंगी वो सभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते जाएंगे और आप घर बैठे आसानी से DCA फुल कंप्यूटर कोर्स को फ्री में सीख सकते हैं। थैंक यू।